रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवापारा टेंडा में क्षेत्रवासियों के द्वारा महावीर कोलवासरी के विस्तार के विरोध में किया गया रोड जाम। कंपनी की नहीं रुक रही मनमानी, जहां एक ओर सरकार ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार दे रही है, वहीं कंपनी प्रबंधन की मनमानी रुकने का नाम नहीं, जिससे परेशान क्षेत्रवासियों के द्वारा रोड जाम कर अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह दूसरी ओर जब कंपनी के HR मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया और गोल मटोल कर टाल दिया गया। प्रबंधन की ओर से हद तो तब हुई जब क्षेत्र के मीडिया बंधुओं को HR मैनेजर के द्वारा गेट के बाहर ही खड़े कर दिया गया, जहां एक ओर जिले के अधेर नगरी चौपट राजा के तर्ज पर चारों तरफ नए नए कंपनी स्थापित की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्षेत्रवासियों के दर्द को सुनने वाला कोई है या फिर राजनीति की भेंट चढ़ाकर क्षेत्रवासियों को और इंतजार करना होगा। सवाल अभी बरकरार है, जिम्मेदार कौन? वंदे भारत से संतोष कुमार की रिपोर्ट। जैसे कि आप जान रहे हैं, आज नवापारा टेंडा में महावीर कोलवासरी द्वारा निर्मित नए कोलवासरी के विरोध में चक्का जाम किया गया है। मैं वंदे भारत से संतोष कुमार विशी, जब हमने कंपनी प्रबंधन महावीर एनर्जी के HR से बात करने का प्रयास किया तो गेट में ही पत्रकार बंधुओं को रोका गया है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड थे जिनका नाम राजेश यादव है, टेलीफोनिक बात करने पर HR के द्वारा गेट पे ही बाहर बात करने के लिए कहा गया है। आइए जानते हैं नवापारा टेंडा में किसानों और महिलाओं के द्वारा चक्का जाम किया गया है, किस विषय में चक्का जाम किया गया है, किस लिए किया गया है। आइए जानते हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रिखीराम पटेल जी से। पटेल जी, बताइए आज किस लिए यहाँ पे जो है पूर्णतः चक्का जाम किया गया है? ये महावीर ग्लोबल जो है अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर रहा है, उसके लिए चक्का जाम किया गया। क्या उनके पास कोई अनुमति है? अनुमति होता तो हम लोग दो बार वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर कोई भी अनुमति का कागज नहीं दिखाया गया। हमको लगता है जैसे उनका काम का स्पीड है, पेड़ काटने का या फिर वो कार्य का, वो जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका, बाउंड्री वाल का काम का जैसे स्पीड है, ऐसा लगता है कि ये लोग का अवैध तरीका से ही ये लोग कार्य कर रहे हैं। और क्या है, हम लोग लोकल जनप्रतिनिधि होते के नाते मैं इसी भेंगारी ग्राम का हूँ मैं, और मेरे को जानकारी ये हुआ है कि ये संयुक्त ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। ग्राम पंचायत भेंगारी के सरपंच प्रतिनिधि रामवती दिनेश मांझी। सरपंच महोदय, आज बताइए किस लिए चक्का जाम किया गया है? क्या आपके ग्राम पंचायत से महावीर ग्लोबल कोलवासरी के द्वारा अनुमति लिया गया है? लिया नहीं गया। किसी प्रकार की कोई जानकारी है आपको? कोई जानकारी नहीं है। हाल सर कोई भी काम करने फालतू करते हैं, शुरू से 2005 में मैं सरपंच था उस समय से लोग फालतू करते आ रहे हैं। आज तक ये लोग कहीं भी सही काम नहीं किए, कहीं बोलो जो कि पंचायत में कोई से भी थोड़ा सा काम है तो कोई काम नहीं करते हैं लोग। कहाँ जहाँ जैसे मान लीजिए एक यूनिट बिजली देने को इनकार करते हैं लोग, गाँव में जो कि बिजली पानी के लिए आदमी तरसता है, यहाँ इतना तरसता है तीनों गाँव में के पूछो मत। यहाँ एक यूनिट बिजली देने के लिए उनको तकलीफ होता है। दोनों प्लांट को हम लोग NOC भी दें, आज तक मेरे को 1-7 तक जमा नहीं किए हैं लोग, 10 बार नोटिस दे चुके हैं इन लोगों को, लेकिन कोई ये नहीं हो रहा है। अभी मेरे को आदेश मिला है ऊपर से कि हम लोग लिख के ऊपर दे दो, ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे बोल दिए गए हैं। हम लोग ऊपर लिख कर देने वाले हैं, अभी तक नहीं दिए हैं, बाकी अभी देने वाले हैं उनके बारे में। मैं ग्राम भेंगारी की रहने वाली श्रीमती कमला गुप्ता भूतपूर्व सरपंच हूँ। यहाँ पर महावीर एनर्जी जमीन उमीन खरीद के ले गए हैं और अभी कोल आश्रित खुलवा रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनता को प्रभाव पड़ रहा है। पता भी नहीं है पैसे उसे दे करके वो अपना क्या बोलते हैं, जिसमें अभी आम जनता कुछ भी अपना खेती वती करके जी खा रहे हैं, लेकिन कोल आश्रित खुलने के बाद में उनका न खेती होगा, न रोजगार, न धंधा, न पानी, और आदमी की उम्र भी कम होती जाएगी। तो इस अवस्था से हम लोग उस कोल आश्रित को नहीं खोलना देना चाहते हैं। दीदी, आप क्या चाहते हैं, क्या कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? क्या जहाँ तक भी हो सके हमारे तरफ से, हमको गांव में हमारे पूर्वज रहे बसे हैं और हम कोयला खा के थोड़ी जिएंगे क्या है? कोई हम लोग ऊटी में सांस लेने वाले आदमी उतना हमारे पास हैसियत नहीं है। हम प्रकृति की हवा और प्रकृति की ताज़ा हवा हम लोग खाने वाले हैं।
वो अगर वो जमीन खरीद लिया है ठीक है, उसमें खेती बाड़ी करे हम राजी हैं, जिसमें हमको ऑक्सीजन भी मिलेगी और हमारे आने वाला पीढ़ी भी स्वच्छ और सुरक्षित रहे। मैं मनोज कुमार गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। ये महावीर नरही हिल कुलवासरी के द्वारा यहाँ पे अवैध रूप से जबरन कुलवासरी का निर्माण करने जा रहा है। हम लोग इस क्षेत्र में जहाँ पे कुलवासरी बन रहा है वहाँ से 500 मीटर दूरी में ग्राम चारमार है, 400 मीटर दूरी में ग्राम भेंगारी है, 600 मीटर की दूरी में नवापारा टेंडा है और 200 मीटर की दूरी में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है। हम लोग कुलवासरी किसी भी स्थिति में खुलने नहीं देंगे। इसके आप लोग चक्का जाम किए हैं, बताइए। हम रोड जाम इसलिए किए हुए हैं क्योंकि हमारे द्वारा घरघोड़ा SDM को आवेदन दिया गया है और उस आवेदन के प्रति किसी भी आज पर्यंत तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया और वो लोग जबरदस्ती अवैध तरीके से जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं। क्या आवेदन दिए थे SDM आप? हम लोग SDM साहब को इस आवेदन दिए हैं कि कुलवासरी का निर्माण मतलब अति शीघ्र रोका जाए, अन्यथा हम लोग बृहद आंदोलन करने के लिए उग्र हो जाएंगे। हम लोगों की मांगे क्या है? हम लोगों की मांग ये है कि कुलवासरी न खुले यहाँ पे, कुलवासरी यहाँ पे न खुले। आईडी लगा बेटा, सामने लगा, छाती के नीचे लगा, अपना मत ना। समस्या क्या है वो बताओ ना, समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस क्षेत्र में TRN एनर्जी पावर प्लांट है, महावीर एनर्जी का 12 मेगावाट का पावर प्लांट है, लेकिन उसी के कारण हमारा क्षेत्र पूरी तरह से दूषित प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पे अगर और कुलवासरी खुलेगा तो हमारा क्षेत्र और बर्बाद हो जाएगा, जल जंगल जमीन बर्बाद हो रहा है। पीने के लिए यहाँ पे आज पानी पीने का जो है वो भी दूषित हो चुका है, हवा दूषित हो चुका है, खाने पीने जल जंगल यहाँ पे जो भी पारिस्थितिक तंत्र है सब कुछ मतलब प्रदूषित हो चुका है। इसलिए हम लोग किसी भी स्थिति में, चाहे इसके लिए हमको मतलब आमरण अनशन करना पड़े, हमको यहाँ से दिल्ली तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी तक अगर पद यात्रा करना पड़ेगा फिर भी हम लोग नंगे पांव जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारे जब तक जान है हम लोग कुलवासरी यहाँ पे खुलने नहीं देंगे। किए हैं आप लोग किन विषय को लेकर किए हैं? चक्का जाम हम इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे जस्ट गांव के बगल में अवैध तरीके से कुलवासरी का निर्माण किया जा रहा है। अब बाकी भी हमने देखा है, TRN पावर प्लांट, महावीर पावर प्लांट द्वारा अवैध तरीके से फ्लाई एस का इधर उधर छिड़काव करके इधर उधर गिरा कर पूरे NGT के पूरे नियमों का पूरे तरीके से खिल्ली उड़ाया जा रहा है। हम ये नहीं चाहते, ये हमारे जल जंगल और ज़मीन को नुकसान करने वाला चीज़ है, इसलिए हम अवैध तरीके से जो कुलवासरी का जो निर्माण किया जा रहा है उसके हम हमेशा खिलाफ़ में खड़े रहेंगे। अभी भी हमारा विरोध इसीलिए है और चक्का जाम भी हमने इसीलिए किया है। अगर कुलवासरी यहाँ बन रहा है तो क्षेत्र से क्या प्रभावित होगा, किन किन चीज़ प्रभावित? क्षेत्र, पहली बात तो क्षेत्र का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, ये लंबे समय में दूरगामी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी तो हम लोग को जो भी प्रभाव होगा आने वाले हमें पीढ़ी को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य के ऊपर। जाम करे धुआं धूसर, बिना सूचना, बिना अधिकारी के, बिना ग्राम सभा के कंपनी कुलवासरी खोल दी है। पूरा स्कूल के बोर्डी उठी है, गांव के आसपास भेंगारी 1 किलोमीटर, नवापारा 1 किलोमीटर आसपास में गांव है, डोंगा भोना चार मार, कोई ला सूचना नहीं है, ना कोई ला अधिकारी, ना सरपंच ला जानकारी नहीं है, ना सचिव ला नहीं है। बिना सूचना अधिकारी के आज कुलवासरी हम दो बार दे रहे हैं कि सूचना दे रहे हैं, SDM तहसीलदार थाना घर घोड़ा में पूरा पहुँच गए रही थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओकर बार आज हम पूरा तपस्या करके हम बैठे हैं, एठी लोग लेकर के पूरा भविष्य ला देखा था, काला हो जाता है, पेड़ पतई जाड़ जंगल पूरा काला हो गई है, मनसे हर दिन पूरा काला हो गई इसने। आदमी मन तो छान के हवा नहीं लें और उसने रेंग के हवा लेता है, पेट के अंदर के पोटा हर दिन काला हो जाता है। ओकर बार हम एठने तपस्या करा था ना बैठे हैं। अगर तोर बात ना शासन प्रशासन के नहीं मानी तो आगे तुम का करें? जहाँ मुख्यमंत्री तक ले पहुँच के हम पहुँच गए, दिल्ली भोपाल जहाँ तक पहुँच गए, एक बारे में मोला चिंगारी भोपाल में वो आदमी गई जमीन के लड़ाई में, और बहुत सारे दिन 2016 आदमी ला जेल घिन जबरदस्ती भेज के ले गई बिना अनुमति बिन सूचना के, ओका कि इसकी कलेक्टर की SDM तहसीलदार पूरा कि बिन सूचना बिना अधिकारी के रोड में बैठे के पावन नहीं है, पूरा सूचना अधिकारी जगह जगह देके हम रोड में बैठे हैं।
अब देखो की जंगल जार में भलू बेंदर तो पूरा बैठे नहीं सकते, पानी प्यास में पूरा धुआं धूसर फैल गई इसने, अब बीमार फैल गई तब तक। अब जगह जगह में कोयला लग देता है न कोई लाइक रुपया मुझे मिली। कलेक्टर घोषणा कर रही कि एक झाड़ के 18,000 कोई लाइक रुपया देने अनुमति दिन से पूरा झाड़ लग रहा था जंगल के पूरा वहाँ पेड़ हम तो छत्तीसगढ़ में। आइए जानते हैं आज के हड़ताल के विषय में जो कि ग्राम नवापारा टेंडा में किसानों और महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। महावीर एनर्जी के द्वारा स्थापित कोल वासरी के विरोध में। सर आपका शुभ नाम? रवि, रवि द्विवेदी। सर अभी आप किस पद पे हैं? जी मैं मानव संसाधन विभाग में HR के पद पे हैं। जी जी आइए जानते हैं सर आज के जो स्ट्राइक किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि उसका जो काम जो वहाँ बता रहे हैं स्ट्राइक किए उससे तो जो संबंधित व्यक्ति हैं वो बाहर हैं। मैं तो यहाँ के प्लांट का काम देखता हूँ महावीर एनर्जी का। बाकी वहाँ मैंने दूरभाष से उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वहाँ कोलवासरी से कोई मैटर है ही नहीं, वहाँ अपना महावीर ग्लोबल का अपना ज़मीन है, वो बस उसी का घेराव हो रहा है। सर बताएंगे क्या इसकी परमिशन है आप लोगों के पास? जी परमिशन तो वही बता पाएंगे जो कंसर्न व्यक्ति हैं जो